फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी अपनी मोस्ट पॉपुलर हैचबैक कार बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल 2021 में लॉन्च करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी के न्यू बलेनो की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इन डिटेल इसके इंटरनेशनल डिजाइन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो वहीं हम इसके इंजन की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं एंड एट द एंड हम इस कार के लॉन्चिंग डेट, प्राइस एंड न्यू बलेनो किन कारों से कम्पीट करेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरेन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। आइए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की लॉन्च होने वाली फेसलिफ्ट बलेनो हैचबैक कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, न्यू बलेनो के इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी फीचर के साथ साथ आपको इंजन में भी चेंज देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, न्यू बलेनो में काफी कुछ चेंजेस किया जा रहा है एंड न्यू बलेनो भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आएगी। बात करें न्यू बलेनो के एक्सटीरियर के बारे में, तो इसका जो एक्सटीरियर लुक है दैट इज मच स्पोर्टी एंड गुड लुकिंग इफ यू कंपेयर फ्रॉम ओल्डर बलेनो। फ्रंट में आपको रीडिजाइन ब्लैक ग्रिल देखने मिल जाएगा, वहीं अगर उसके दोनों साइड देखे तो वहां पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ इंटीग्रेटेड एलईडी टीआरए लैम्प भी आपको देखने मिल जाएगा, और अगर आप हेडलैम्प से बिल्कुल सही नीचे देखे तो वहां पे फॉग लैम्प भी लगाया गया है। जबकि अगर आप इस कार के बैक साइड में देखे तो वहां पे आपको काफी खूबसूरत टेल लैम्प भी देखने मिलेगा। न्यू बलेनो का जो लेंथ है वो 3995 mm, वही इसका जो विड्थ है वो 1745 mm, और जो इसकी हाइट है वो 1510 mm होने वाली है। वही इस कार में आपको 339 लीटर का बूट स्पेस भी अवेलेबल होगा। इस कार के बेस वेरिएंट में आपको 16 इंच का स्टील व्हील देखने मिलेगा, वहीं अगर आप टॉप वेरिएंट परचेस करते हैं तो उसमें आपको 16 इंच का अलॉय व्हील देखने मिलेगा, और अगर आप इस कार के साइड प्रोफाइल में देखें तो वहां पे क्रोम फिनिश डोर हैंडल और VMV टर्न इंडिकेटर भी आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही इस कार के रूफ पे शार्प फिन एंटीना लगाया गया है। एक और फीचर इस कार में रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें इस कार के इंटीरियर के बारे में, तो इस कार के इंटीरियर को भी काफी हद तक चेंज किया गया है। इस कार के डैशबोर्ड पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करने के साथ साथ इनबिल्ट नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा। वहीं उसके बाजू में देखें तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको देखने मिलेगा एंड इस कार की जो स्टेयरिंग है उस पर आपको ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल होने वाला है। एंड साथ ही इस कार की जो स्टेयरिंग व्हील है उसको आप टिल्ड एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्रंट की रो में 2 सीट एंड बैक साइड की रो में 3 सीट अवेलेबल है। दैट मीन्स ये पहले की तरह 5 सीटर कार होने वाली है। साथ ही आप ड्राइवर वाली सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इस कार में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जैसे फीचर के अलावा आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। तो ये कार 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होने वाली है एंड दोनों ही इंजन जो है वो BS6 कैटेगरी का होने वाला है। तो पहला इंजन जो इस कार में आपको देखने मिलेगा वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको देखने मिलेगा, जो कि 84 bhp की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। एंड ये इंजन आपको 5-स्पीड मैनुअल एंड 5-स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। दूसरा इंजन इस कार में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको देखने मिलेगा, जो कि 100 bhp की पावर एंड 150 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और ये इंजन आपको सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मैनुअल गियरबॉक्स इंजन वाली जो कार लॉन्च होने वाली है वो आपको ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, ऐसा कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। बाकी रियल में कितने किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी वो तो कार लॉन्च होने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम बात करें कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो पहला सेफ्टी फीचर इस कार में डुअल एयरबैग देखने मिलेगा, दूसरा ABS विद EDV भी इस कार में अवेलेबल होने वाला है, तीसरा रिवर्स पार्किंग सेंसर विद कैमरा भी आपको इस कार में मिलने वाला है, तो आपको आपकी गाड़ी पार्क करने में बड़ी आसानी होगी।
इसके अलावा इस कार में स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई स्टील बॉडी एंड ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर आपको मिलने वाले हैं। अब अगर एडजेंट हम इस कार के लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो इस कार के लॉन्च डेट को कंपनी ने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा है कि हम इस कार को बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। और इस कार के बेस वेरिएंट का प्राइस 6 लाख से स्टार्ट होकर के टॉप वेरिएंट का प्राइस 10 लाख तक जाने की संभावना है। साथ ही मारुति सुजुकी की फेसलिफ्ट बलेनो जो है वो कम्पीट करेगी हुंडई के i20, किया के सोनेट एंड टाटा के अल्ट्रोस जैसी कारों को एक कड़ा मुकाबला देने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस फेसलिफ्ट बलेनो के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। साथ ही लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, उससे होगा ये कि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आप कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vehiclesmafia.com पे विजिट करके वहाँ इन कारों के बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।